गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। सो 11th क्लास प्रीवियस डे वी डिस्कस द एसटीसी रूल। तो उसमें 90 प्लस 90 माइनस, 180 प्लस 180 माइनस, 270 प्लस 270 माइनस, 360 प्लस 360 माइनस एंगल्स पे हम बात कर चुके थे। अब उसी पे आगे कंटिन्यू करते हैं। समझ रहे हैं? क्या होता है, 0 से 90 एंटी क्लॉक वाइज से हम मूवमेंट करते हैं, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से क्या है 360। एएसटी और ये एसटीसी, मैंने बोला था कि एसटीसी रूल साइन को डिसाइड करता है। एसटीसी रूल किसको डिसाइड करता है? साइन को। और 90 टू 70 में चेंजेस होते हैं, 180 360 में कोई चेंजेस नहीं। अब ये तो क्लॉक, हम एंटी क्लॉक, अगर क्लॉक वाइज में मूवमेंट कर लेते हैं, देखो जरा इधर पॉजिटिव थीटा जाएगा इधर नेगेटिव, अगर हम साइन माइनस थीटा करते हैं तो बेटा फोर्थ में आ गया। इधर तो पॉजिटिव का नेगेटिव कर दिया, या जीरो से यहां स्टार्ट होता है, फोर्थ में आ गया। फोर्थ में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसकी पॉजिटिव होती है फोर्थ में cos और sec, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये वैल्यू क्या होगी? माइनस। फिर बात करते हैं cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगी, c यूज होता है नेगेटिव cos। फिर आ गया tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cos माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा ये क्या होगा पॉजिटिव सेक थीटा, और कॉट माइनस थीटा माइनस। माइनस थीटा में केवल इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी साइन ऑफ कॉस। और एक चीज और समझे, अगर कहीं भी बेटा आपके पास में 360 से अपर वैल्यूज आ रही है, तो 360 से अपर वैल्यूज के लिए हम क्या यूज करते हैं समझना जरा। एन 360 इंटू एन प्लस माइनस थीटा का, एन कोई भी, एन इज एनी नेचुरल, एन टर्म को कह, तो बेटा एन को हम नेग्लेक्ट मारेंगे और इसमें 360 प्लस माइनस थीटा ही यूज करेंगे। यानी कि इसमें 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा की ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एन की हमारे पास कोई वैल्यू, एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऐसे फॉर्मूले के लिए एन की कोई वैल्यू नहीं होगी। जिसमें एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हमने पूछ दिया आपसे cos 750 की वैल्यू, 750 को क्या लिखो, 360 into 2 plus 720 plus 30 750। तो इसमें 2 को निकलेक्ट करेंगे और एएसटीसी के अकॉर्डिंग 360 प्लस थीटा फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं और कॉस में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो क्या हो गया वैल्यू क्या हो जाएगा इसके रूट की। तो यानी कि 360 अगर n इज एनी नेचुरल नंबर और n कोई मल्टीपल के फॉर्म में है, तो वी कैन नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ n, दैट मींस वी कैन यूज 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। हमें 360 प्लस थीटा या बेटा 360 माइनस थीटा की कांसेप्ट का यूज करना है, ठीक है। ना तो हमें एक्चुअल में इस n की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देना है, दैट्स क्लियर। सो इन दिस वे वी कैन कंप्लीट इट टिल क्वेश्चन नंबर टिल 64 identities, and you have need to learn or confirm only trigonometry table, such as 0, 30, 45, 60 or 90. Other we can find out by the help of this ASTC. So we can explain some important graphs of trigonometry function, then see how can we draw these graphs, then see in graphs, ठीक है, हम graphs आपको draw करके बताते हैं।
समझे, ग्राफ पे बात करते हैं ध्यान दे इसके। ग्राफ अगर ड्रॉ इसकी डोमेन है तो कराया था। तो पहले टॉपिक समझे बेटा, फोर्थ में चला गया, या मान लो आपने कर दिया 270 प्लस, फोर्थ में गया, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव और 270 में चेंज होता है तो क्या आ गया कॉस्ट में माइनस माइनस प्लस कॉस्ट 90 क्या होता है फिर 90 का एक्चुअल में इक्वल डिफरेंस पे हम डोमेन वैल्यूज क्योंकि वी हैव नीड टू ड्रॉ द ग्राफ तो वी कैन पुट द वैल्यू इन इक्वल डिफरेंसेस, इक्वल डिफरेंस से हम पुट करते हैं। तो पहले माइनस 2 पर सेकेंड क्या रखा माइनस 3 पाई वाई, यहां पे क्या आ गया एफ माइनस 3 पाई वाई माइनस साइन माइनस 3 पाई, ये माइनस क्या हो गया 2 पाई वाई। अब इसकी वैल्यू अगर चाहिए तो क्या लिखेंगे 270 यहां पे क्या रखेंगे 180 प्लस 180 में कोई चेंजेस नहीं वही जाएगा 180 प्लस तो 30 को माइनस और ये क्या आ गया माइनस 90 यानी कि प्लस 90 क्या हो गया 1 तो इसकी वैल्यू 180 करेंगे 0 हो जाएगा फिर माइनस 5 करेंगे माइनस हो जाएगा 0 साइन 0 क्या होता है 0 फिर आ गया 90 1 फिर पाई 0 फिर क्या हो गया 3 पाई माइनस 1 और 2π क्या हो गया जी। ये टेबल आप एसटीसी रूल के रूल्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यू कंफर्म ना हो इस पे एसटीसी अप्लाई करेंगे और बन जाए। अब ग्राफ पे करते हैं x हैट x डैश y हैट और y एक्स एक्सिस पे हम देंगे ये -2π है -3π/2 है माइनस पाई है माइनस पाई प्लस पाई बाई टू है प्लस पाई है 3π/2 और 2π ये प्लस वन ये क्या होता है माइनस 2π 0 है माइनस 3π/2 प्लस 1 है फिर ये 0 आ गया ये माइनस 1 आ गया ये 0 आ गया प्लस 1 आ गया 0 माइनस 1 आ गया। ग्राफ कैसे चला यू आया यू आया और यू तो ये मैक्सिमम कहा जाता है प्लस वन मिनिमम कहा जाता है माइनस वन। इसी वजह से बेटा साइन और कॉस दोनों ग्राफ जो होते हैं ये प्लस वन और माइनस वन के बीच में ही लाइज होते हैं। इसी वजह से बेटा इसका जो डोमेन होता है
वो हमारे पास कुछ भी मैक्सिमम डोमेन तो माइनस फाइव बाई टू से प्लस फाइव बाई टू के बीच में ही लेते हैं साइन के लिए। यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं ग्राफ कहीं से कहीं तक, लेकिन रेंज आप देख रहे हैं ग्राफ डोमेन कुछ भी हो लेकिन इसकी रेंज मैक्सिमम प्लस वन तक जाएगा, ग्राफ का मिनिमम माइनस वन तक। इसका मतलब इस फंक्शन की साइन एक्स की रेंज क्या होती है, माइनस वन से बेटा माइनस वन से क्या होती है बेटा प्लस वन, ये माइनस वन और प्लस वन के बीच में ही रह सकता है। ये ग्राफ किसका था, ये किसका था बेटा साइन एक्स का। अब दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका बेटा कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स के लिए देखिए क्या है, समझ गए, एज की जो वैल्यूज जो भी निकाल रहे हैं इसकी हेल्प से निकाल रहे हैं, जो अपने पिछले वीडियोस में पिछली क्लास में एस टी सी रूल पढ़ा उसी से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, समझ रहे, सेकेंड है एफ एक्स इक्वल टू क्या है कॉस एक्स, वही x log बेटा माइनस टू पाई से प्लस टू पाई के बीच में कंसिडर करेंगे, ये माइनस टू पाई है तो f माइनस टू पाई क्या होगा cos माइनस टू पाई, ये पॉजिटिव होता है cos टू पाई, तो cos कितना हो गया 270 प्लस में cos होता है चेंज होगा क्या जाएगा sin 90, यानी कि वैल्यू क्या होगी ये क्या होगा जीरो, फिर क्या आ गया माइनस वन, ये क्या होगा माइनस, फिर बेटा क्या होगा माइनस फाइव बाई क्या होगा जीरो, जीरो क्या होगा वन, कॉस नाइनटी क्या हो गया जीरो, वन एट्टी क्या हो गया माइनस वन, फिर टू सेवेंटी क्या हो जाएगा जीरो, और 2 पाई क्या हो जाएगा प्लस, तो भाई क्या हो गया प्लस। एसटीसी रूल यूज करेंगे, ये टेबल आपके पास में बेटा इसलिए बन गया। अब जब इसके ग्राफ की बात करते हैं तो देखिए जरा, ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश, और ये क्या है बेटा वाई और वाई एक्सिस।